यहाँ आज हमारी मासिक संगठन की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुछ पुराने मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ नए मुद्दे जो इस बार ये जो आपदा आई है हिमाचल प्रदेश के बीच में, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, उस पर भी हमने अपनी संवेदनाएँ प्रकट की हैं और सरकार से आग्रह किया है कि लोगों को जो है वो शीघ्र से शीघ्र जो है वो सहायता पहुँचाई जाए और जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही दो तीन दिन पहले हमारा एक डेपुटेशन DC साहब से मिला और जो हमारी पिछली मांगें थी, जैसे व्यापारी जो थे सब्जियों के, फ्रूट्स के, ये अपने ही रेट लगा रहे थे और काफ़ी रेट जो थे वो अप हो चुके थे सब्जियों के, तो उसके बारे में हम उनसे बात की कि इस पे इंस्पेक्टर को जो है ड्यूटी लगाई जाए और तीसरे चौथे दिन जो है वो हमीरपुर बाज़ार का इंस्पेक्शन की जाए और उन लिस्टों को देखा जाए, क्योंकि उनमें भारी अंतर जो है वो मूल्य में पाया जा रहा था। उसके साथ ही हमने उनसे आग्रह किया कि सिर्फ हमीरपुर बाज़ार में नहीं, हमीरपुर के जो छोटे मोटे कस्बे हैं गाँव के अंदर, वहाँ पर भी सब्जियों के रेट जो वो एक बार चलते हैं तो वो पूरा महीना वो ही चलते रहते हैं, तो उन पर भी अंकुश लगाया जाए। साथ में हमने जिस हिसाब से अनुरोध किया कि हमारे गांधी चौक में एक वहाँ पर डिस्प्ले करते थे सब्जियों के लिए, और लोग जो भी बाज़ार में आते थे वो वहाँ पर उन रेटों को देखते थे और उसी के हिसाब से दुकानों से वो अपना सामान जो थे वो खरीदते थे, जिससे उनको काफ़ी सहायता मिलती थी और दुकानदार भी उनसे कोई हेरा फेरी या अधिक मूल्य जो नहीं ले सकते थे। तो ये सारी बातें जो डी साहब ने मान ली थी और इन पर जल्दी ही एक्शन होने वाला है। और ये एक जो हमारा बमसन के अंदर जो पेयजल योजना थी, जिसका पानी जो है वो हमारे भोरंज में जाहू तक जाता है, वो योजना हमारी कोई 20-25 दिन से जो वो बंद पड़ी है, लोगों को पानी की भारी समस्या आ रही है। उसको भी हमने सरकार से, प्रशासन से आग्रह किया है कि इसको जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि पानी के बिना जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो समस्या सामने आ रही है। लोगों को बड़े दूर दूर से पानी लाने जाना पड़ रहा है और जो पानी भी आ रहा है, जो हमारी पुरानी बावड़ियाँ और कुएँ थे वो भी बड़ा गंदा पानी है, उससे भी बीमारियाँ फैलने का खतरा बना हुआ है।